साथियों, आज हम बबल की बात करेंगे। बबल अर्थात गुब्बारा, और आज हम इस बबल को शेयर मार्केट के संदर्भ में बात करेंगे। साथियों, आपने तमाम यूट्यूब के वीडियो देखे होंगे, लिटरेचर पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा कि शेयर मार्केट में छोटे छोटे बबल्स बनते रहते हैं। कभी ये बबल्स बड़े भी होते हैं। और साथियों, जिस तरीके से पानी में छोटे और बड़े बबल्स बनते हैं, तो वो बबल्स फूटते भी रहते हैं। आप आजकल शेयर मार्केट को देख रहे होंगे कि शेयर मार्केट में नित नई ऊंचाइयां दिखाई दे रही हैं। ये नित नया रिकॉर्ड बनाता रहा है और आज भी बना रहा है। खबरों की सुर्खियां बन रहा है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस वजह से शेयर बाजार में एक बबल यानी बुलबुले जैसी स्थिति पैदा हो गई है। साथियों, यहां बुलबुले वाली स्थिति यानी बबल सिचुएशन से मतलब यह है कि क्या शेयर मार्केट इसी तरह से बढ़ता रहेगा और ये कहां तक बढ़ेगा, और क्या यह अचानक बहुत तेजी से नीचे भी गिरेगा। साथियों, इसे पानी के बुलबुले का उदाहरण लेते हुए आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर कोई बुलबुला बनता है तो एक समय के बाद वो फूटता जरूर है। ठीक वैसा ही शेयर मार्केट के साथ भी होता रहता है और होने की संभावना भी है। साथियों, इसी को कहते हैं कि प्राइस का सेटल होना। साथियों, शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहा है और जितना ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके अचानक नीचे गिरने की संभावना और आशंका भी उतनी ही बड़ी होती जा रही है, और जिससे अगर सावधान न रहे तो बहुत से लोगों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है, और अतीत में भी ऐसा हुआ है। साथियों, देश के बाहर के लोग यानी विदेशी निवेशक जब शेयर बाजार, सरकार द्वारा जारी बॉन्ड या फिर कंपनी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में निवेश करते हैं, तो उसे FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पिछले कुछ समय में FPI में काफी बढ़ोतरी देखने को भी मिली है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो 10 साल में लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। विदेशी निवेशक मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो उसे इक्विटी निवेश कहते हैं। जब किसी बॉन्ड में निवेश कहते हैं तो उसे डेट निवेश कहते हैं। लेकिन जब कोई निवेश दोनों में निवेश करता है तो उसे हाइब्रिड निवेश कहते हैं। RBI ने शॉर्ट टर्म निवेश की सीमा को 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। जब कोई कंपनी भविष्य में बेहतर करने की उम्मीद जताती है, कुछ ऐसी योजना लेकर सामने आती है जिसका आधार, जिसका फंडामेंटल मजबूत होता है, तो उस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ते हैं। लेकिन साथियों, यदि आप कोरोना काल में देखें तो इस समय, ऐसे समय में जब देश में आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप जैसी हैं, बावजूद इसके कंपनियों के शेयर उससे अधिक तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि शेयर के दाम उसकी वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा बढ़ गए, जो कि आने वाले समय में यह निश्चित है कि यह सेटल जरूर होंगे। तो साथियों, निवेशक को इस समय क्या करना चाहिए? ऐसे समय में जब शेयर बाजार बिना मजबूत आधार के
नित नई ऊंचाइयां छू रहा हो तो निवेशकों को और भी सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात यह है कि निवेशक अच्छी कंपनी के शेयर में ही निवेश करें। अच्छी कंपनी का अभिप्राय है जिसके फंडामेंटल अच्छे हों। पिछले कुछ साल में कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया हो और कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो। साथियों, छोटी कंपनी के शेयर अर्थात स्मॉल कैप और ऐसी ही मल्टी बैगर बनने की संभावना वाले शेयर जिनके दाम जिस तेजी से ऊपर जाते हैं उससे कहीं तेज रफ्तार से नीचे भी आते हैं। और साथियों, ऐसे ही मौके होते हैं जब ऐसी कंपनियों के दाम लगातार बढ़ते हैं। लिहाजा निवेशकों को वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए बेहतर निवेश पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे समय में छोटी छोटी किस्तों पर मजबूत और बड़ी कंपनियों पर निवेश करना चाहिए। साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि जो कंपनियों की लाभप्रदता है वो उनके मूल्य से उसका कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर हो। और हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी का पी जब तक 30 से नीचे नहीं आता, अर्थात कंपनियों का जो ओवरऑल प्रॉफिट है, उनका लाभ है, उनके मूल्य से अनुपात नहीं बनाता, निवेशक को अधिक सतर्कता की जरूरत है। साथियों, इस समय यह बहुत ही आवश्यक है कि आप बॉन्ड में निवेश करें। कुछ निवेश ETF जो निफ्टी का है उसमें करें और कुछ निवेश जो लार्ज कैप की लगातार लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं, भले ही उनका परसेंटेज कम हो, वो 2 गुना और 3 गुना न हो रही हो, ऐसे मजबूत आधार वाली कंपनियों में किस्तों में थोड़ा थोड़ा निवेश करें। क्योंकि साथियों, जब रेट सेटल होते हैं तो आपने देखा होगा कि इन मजबूत आधार वाली कंपनियों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो साथियों, ये समय काफी सतर्कता का है, काफी समझदारी का है। आप अपने हर पैसे को बड़ी समझदारी से निवेश करें, लोभ और लालच में न पड़ें। छोटे छोटी बरसाती नालों के मुंह में न पड़ें, क्योंकि जब पानी आता है तो ये छोटे नाले काफी उफान भरते हैं लेकिन उसके बाद सूख भी जाते हैं। आपको समंदर में निवेश करना है। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों में निवेश करना है। आपको झरने और छोटे छोटे तालाब, तलैया, छोटे पोखर और छोटे नालों में निवेश नहीं करना है। साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि यही वो समय है जिस समय आपको अधिक सतर्कता और सावधानी बरतनी है अपने निवेश करने में। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और निगाह बनाए रखें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।